कि हर कोई इस राम काज में हिस्सा लेना चाहता है, अपनी हिस्सेदारी देना चाहता है, भागीदारी देना चाहता है, कोई संकल्प ले रहा है, कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, हर किसी में एक उमंग है, एक नई खुशी देखी जा रही है। और यही वजह है यानी कि 22 तारीख को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी एक दिव्य और भव्य तस्वीर देख पाएंगे। देखिए वैसे तो पूरे देश में तैयारियां चल रही है 22 जनवरी को लेकर, लेकिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में मिठाइयां बांटी जाएगी यानी कि 5000 लड्डू बांटे जाएंगे। तमाम जो भक्त श्रद्धालु वहां पर आएंगे, आपने ये भी देखा होगा, देखिए केंद्रीय नेतृत्व ने छुट्टी भी दे दी है वहां पर कर्मचारियों को दिल्ली में। और इसके अलावा देखिए तमाम जो राज्यों में इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं और उस दिन दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है, लेकिन देखिए महाकाल मंदिर में भी अब लड्डू बांटे जाएंगे। देखिए रामलला उस दिन विराजमान होने जा रहे हैं, मुंह मीठा होना तो बनता है, और यही वजह है कि 5000 लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाएगा और श्रद्धालुओं में महाकाल मंदिर उज्जैन में बांटा जाएगा। 5-6 दिनों से लगातार यहाँ पे काम चल रहा है और एक बड़ी सी टीम, 250 लोगों की टीम लगातार लगी हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5-6 दिनों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी उसी के अनुसार 5 लाख लड्डू का निर्माण हो चुका है और प्रत्येक लड्डू का एक इंडिविजुअल पैकिंग में किया गया। आप देख रहे होंगे कि जो पैकेट, हर एक लड्डू का अलग अलग पैकेट है, वो सारे लड्डू के पैकेट के निर्माण हो चुके हैं और उनको सभी लड्डुओं को छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा जा रहा है और ऐसे बॉक्सेस की संख्या लगभग 1121 है। तो देखिए पूरा भारतवर्ष इस वक्त अयोध्या में है, ये कहना गलत नहीं होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, हर किसी की नजर 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा पर लगी हुई है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा सख्त रखना बेहद जरूरी है। और ऐसे में देखिए जगह जगह पर किस तरीके से UPATS की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, हर संवेदनशील इलाके पर नजर रखी जा रही है। और फ्लैग मार्च इसलिए भी किया जाता है ताकि तैयारी कितनी सख्त है, कितनी पुख्ता है, कहां कहां पर आपको तैनात रहना है, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक अब आपको बता दें कि पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिना पास के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो अवध वासी है वही अब कहीं ना कहीं कल से यहाँ पर हलचल कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी जिसे निमंत्रण नहीं है वो नहीं आ सकता है। ऐसे में आप देखिए अब UPATS की तरफ से अब सुरक्षा के बंदोबस्त कैसे हैं वो देखा जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन देखिए भव्य दिव्य तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब ना हो इसको लेकर देखिए सख्ती तो बढ़ती जा रही है, लेकिन श्रद्धालुओं में कोई उत्साह की कमी नहीं है। ठंड यहाँ पर बहुत है लेकिन सरयू नदी में जिस तरीके से आरती होती है वो तस्वीरें भी सामने आई है। कई श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, कई रंग आपको सरयू नदी में आरती करते हुए नजर आए हैं। देखिए वैसे तो रोजाना इस तरीके की तस्वीरें जो है अयोध्या के कोने कोने से नजर आती हैं, लेकिन क्योंकि इस बार तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, रामलला विराजमान होने वाले हैं, ऐसे में हर कहीं अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ खुशी नजर आ रही है। और सरयू नदी की ये पावन धरा के साथ आप देखिए अध्यात्म की नगरी अयोध्या में किस तरीके से श्रद्धालु प्रफुल्लित आरती में नजर आ रहे हैं। अब रामलला विराजमान हो चुके हैं अपने गर्भगृह में, अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का। आंखें बिछाए बैठे हैं तमाम राम भक्त अयोध्या ही नहीं देश भर में, और सरयू की ये अद्भुत अलौकिक तस्वीरें देखिए। संतों की धरती है ये, उन्होंने इंतजार किया है इस क्षण का, 500 सालों की तपस्या की है और उसके बाद अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। लेकिन देखिए 22 तारीख को क्यों मुख्य तारीख चुना गया है इसको लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन आचार्य परमहंस जो जगत गुरु भी हैं और शंकराचार्य भी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि 5000 सालों के बाद इस तरह का योग आया है अपने आप में, ये तारीख बेहद अहम है। और 84 सेकंड का जो मुहूर्त निकाला गया है उस मुहूर्त में रामलला की आंखों से पट्टी खोली जाएगी, काजल लगाया जाएगा, रामलला को शीशा दिखाया जाएगा, क्या खास रहेगा सुनिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब की जाए जब जीव मात्र के कल्याण का वो हो, यह दुर्लभ हो योग, ये आइंद्र योग है,
इसके अंदर सर्वार्थ सिद्ध योग है, इसी के अंदर जो है तो रवि योग भी है, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी थे। ये तीनों योग एक साथ पड़ रहा है, ये अति दुर्लभ है। एक बार त्रेता युग में पड़ा था जब राम जी चक्रवर्ती सम्राट बने थे, दूसरी बार पड़ा था जब धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने, अब तीसरी बार जो है पड़ रहा है यह 22 जनवरी 2024 जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम जी को काजल लगाएंगे और उसी समय प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी।